शेड्यूलम को बस सही है प्रोग्राम ही शुरू करो। हां हां जाता हूं। ए 31 किलो करे खेलने के साथ और शेयर रहेगी आसान भाई। ये आपने क्या हिसाब लिया? ये क्या हिसाब लिया आपने और कितना लिया? 250 रुपए किलो लिए हमने। 20 किलो मुश्का। 20 किलो मुश्का कहाँ के लिए लिया आपने? ये लाहौर के। लाहौर मुश्का हमने ली थी 30 किलो। उसका पेट चार कर लिया, अभी पैक करवा रहे हैं। 2 लेयर लग चुकी हैं। 30 किलो के लिए 30 किलो वाला पैकेट हम नहीं भेज रहे, हम 40 किलो वाले पैकेट में भेज रहे हैं ताकि ज़्यादा बर्फ़ लगे और जो है ना वो डब्बा सही तरह पैक हो जाए। इसका जो है ना वो छिलका भी उतार दिया, पेट भी चाक कर दिया, गलफड़ा भी निकाल दिया। सिर्फ सार और तुम रखिए ताकि मछली का शेप सही रहे। कुछ लोग सालन बनाते हैं तो सर भी यूज होता है, ये कि सर काट रहा हो तो काट दीजिए। सही है सही है। नहीं सही है, बड़ा ऊपर लगेगी। नहीं बड़ा ऊपर लगेगी बस, अब क्योंकि वो पूरी लेयर नहीं बन रही थी बस। ठीक है डालो बड़ा डालो बड़ा डालो आप डालो। यार भाई ये काम कहाँ पे साड़ गया आपने? बस अरे बस और नहीं और ही डालो। सारी पैकिंग हो रही है, सारा आउट ऑफ सिटी माल जा रहा है। देखिए पैकिंग कितनी फास्ट कर रहे हैं। ये हमारा डब्बा है, इसके अंदर 30 किलो माल भर दिया है, अब इसको टेप करेंगे। ये देखें ये किसी और का डब्बा है, इन्होंने माल ओवरलोड किया हुआ है। इस तरह माल की क्वालिटी ख़राब होती है। मैंने 30 किलो माल 40 किलो के डब्बे में रखवाया है। कहते 40 किलो है लेकिन एक्चुअली 30 किलो के लिए सही है वो। नहीं ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल हवा ही जाएगी, अंदर बर्फ जो है ना 40 घंटे तक बर्फ बिल्कुल सही रहेगी। ये 1600 रुपये का पड़ा है हमको 40 किलो का डब्बा। इसमें थर्मोबोल का डब्बा और ये टेप जो ऊपर लगाई है, इनकी मजदूरी, अंदर जो बर्फ़ डाली है, ये सब शामिल है और ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है लाहौर तक, और बल्कि ट्रेन के रूट में जितने भी स्टेशन आते हैं उन सबका सेम हिसाब है।